500 केजी चक लैंदा है, इहदा अपना वेट सिर्फ 4 किलो है। ठीक है ना, मतलब पॉकेट च पा के भी बंदा ले जा सकता, पॉकेट कैरी करके। इहदे च की हैगा कि सपोज तुसी अपनी तरफ पुल करना है या पुल करना है, उस एप्लीकेशन दे लिए बेसिकली यूज होंदी है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सब तो मतलब लोएस्ट वेट वाला इक्विपमेंट है, ये वर्ल्ड किसी होर कोल नहीं है। इहदे च की है कि तुसी अप एंड डाउन तो इदा कर सकते हो, तो मैनुअली वेट चक के राइट लैफ्ट तुसी कर सकते हो, पूरा पूरा जी लोंग ट्रैवल क्रॉस ट्रैवल प्रॉपर तरीके नाल तुसी चला सकते हो। तुसी कंप्रेसर तो देखे होणगे, लेकिन 50% बिजली बचाउण वाला कंप्रेसर नहीं देखे होना। ये मशीन ऐसी है कि नॉर्मल जड़े ट्रेडिशनल कंप्रेसर मार्केट के मिलते हैं, वो कंपेरेटिवली कंप्रेसर 50% थोड़ी पावर सेव करता है। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त आप खड़े हैं लुधियाना, तो इतने थोड़ा एक जो प्रोडक्ट दिखाने लगा वा कीटो कंपनी की, इन बारे पूरी जानकारी देवे कि प्रोडक्ट है जे अपने आम घर के भी कम आ सकते हैं, तो कि अपनी शॉप पर भी कम आ सकते हैं। जो कोई दुकानदार वो भी इन्होंने प्रोडक्टों वरतता वा, तो आम घर के प्रोडक्ट कम आ सकते, वो भी गलबात इस वीडियो करा। तो करते हैं बई जी उन्होंने गलबात, पुछते इन्होंने तो इस प्रोडक्ट बारे पूरी जानकारी। सर ये बेसिकली कीटो की रैचेट हैगा। बेसिकली ये की हैगा कि सपोज तुसी अपनी तरफ पुल करना है या पुल करना है, उस एप्लीकेशन के लिए बेसिकली यूज़ होती है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सब तो मतलब लोएस्ट वेट वाला इक्विपमेंट हैगा, ये वर्ल्ड किसी होर कोल नहीं हैगा। सेम एज इट इज़ तुसी देखो एल्यूमीनियम दे विच हैगा। ठीक है, और ये ओवरलोड लिमिटर भी इनबिल्ट हैगा, एक तुहानू कोई भी नहीं देगा। ये 500 केजी चक लैंदा है, इहदा अपना वेट सिर्फ 4 किलो है। ठीक है ना, मतलब पॉकेट च पा के भी बंदा ले जा सकता, पॉकेट कैरी करके। ए 0.25 टन मतलब 250 केजी, ये भी 250 केजी, इहदा अपना वेट 1.6 केजी है। हाँ जी, इदा ही ये हाफ टन का चेन पुली ब्लॉक है, वो बाद साढ़े को लाइट रेल सिस्टम आ जाता है पूरा। अच्छा, और इलैक्ट्रिकल होइस्ट आ जाती है कीटो जापान की। ये हाँ ये की है कि तुम अप एंड डाउन तो इदा कर सकते हो, तो मैनुअली वेट चक के राइट लैफ्ट तुम कर सकते हो, पूरा पूरा जी लोंग ट्रैवल क्रॉस ट्रैवल प्रॉपर तरीके नाल तुसी चला सकते हो। ये डैमो है बेसिकली, लेंथ तुसी जिनी भी इनक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जो जड़ा इहदा ब्रिज है वो मैक्सिमम 6 मीटर तक आएगा, मतलब 20 फीट, इस तो ज़्यादा नहीं तुसी कर सकते हो। ये लिमिटेशन है यदि, लेकिन काम स्मूथली करना, ट्रबल फ्री, सेफ्टी नू ध्यान रख के प्रॉपर तरीके नाल तुसी कीटो दे प्रोडक्ट तुसी देख सकते हो। ये कंप्लीटली मेड इन जापान प्रोडक्ट ने। अच्छा जी, कंप्लीटली मेड इन जापान। हाँ जी, तुसी ये देख सकते हो। इहदी कैपेसिटी किन्नी है जी? ये जी 125 केजी तो लैके तो 2 टन कपैसिटी तक आ जाते हैं। अदरवाइज तुसी अगर स्टील स्ट्रक्चर के उत्ते चलाना होएगा ना कंप्लीटली इदा, तो तुसी 20 टन कपैसिटी तक भी लै सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अलग अलग तरह के आ जाते हैं, जिदा ये प्लेन ट्रॉली के नाल आ रहे हैं, ये गेयर्ड ट्रॉली के नाल, ये मोटराइज्ड ट्रॉली के नाल आ रहे हैं। हाँ जी, ये EQ सीरीज़ हैगा जी। EQ सीरीज़ के 125 केजी तो लैके अप टू 1 टन कपैसिटी तक आता है प्रॉपरली। फिर हाँ जी चलता है। अच्छा, ये तुसी अप एंड डाउन करके देख सकते हो, तुसी ये देखो अप एंड डाउन। हाँ, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हैगा, ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ये इक्विवेलेंट हजे तक कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट के। बाद साढ़े को एटलस कॉपको एयर कॉम्प्रेसर भी है, तुसी कंप्रेसर तो देखे होणगे, लेकिन 50% बिजली बचाउण वाला कंप्रेसर नहीं देखे होना। ये मशीन ऐसी है कि नॉर्मल जड़े ट्रेडिशनल कंप्रेसर मार्केट के मिलते हैं, वो कंपेरेटिवली कंप्रेसर 50% थोड़ी पावर सेव करता है विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ कस्टमर एयर। और ये की करता है, कॉन्सटेंट प्रेशर से थोड़ी हवा नू मतलब 20% तो लैके 100% वेरिएशन के चलाता है प्रॉपरली। तो तुहानू सेविंग मतलब थोड़ी अगर 20% की रिक्वायरमेंट है, तो इन्हें 20% पावर लैके तुहानू उन्नी हवा देनी है। अगर थोड़ी 100% की रिक्वायरमेंट है, तो इन्हें 100% से चल के थोड़ी हवा पूरी करनी है। ये जी 22 किलोवाट का कंप्रेसर है, 162 CFM का हैगा। ठीक है, इन्हें 31 CFM तो लैके 162 CFM दे विच वेरी करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब न अपने आप को चलाना है। हाँ जी, वो बाद साढ़े को पिस्टन टाइप कंप्रेसर भी आ जाते हैं, इस तरह के पिस्टन कंप्रेसर भी है। ये नॉर्मली 3 HP तो लैके 10 HP तक कपैसिटी दे आते हैं। ये मिनिमम जरा है 70-75 हज़ार तो लैके 1,25,000 तक कपैसिटी हैगी।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 9.5 ਲੱਖ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਿਟਿੰਗ ਹੈ ਡਾਇੰਗ ਹੈ ਫੋਰਜਿੰਗ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸਟੀਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਸਟੀਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ ਡਿਸਟਲਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਨੇ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਉਨੇ CFM ਵੀ ਉਨੇ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਡ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਮਤਲਬ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ 500 KG ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ 18,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ 11,000 ਦੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਰੁਜ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਾਫ ਟਨ ਮਤਲਬ 500 KG ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 15-16,000 ਦੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 100 ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 60 ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 40 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਫ ਵੇਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ 'ਚ 3 ਬੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕ ਬੁਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਡਬਲ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਵੈਸਟ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 500 KG ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਸਿਰਫ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਪੋਕਟ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲੀ ਵੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰੈਵਲ ਕ੍ਰੋਸ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ 50% ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ 50% ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ